एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक ही होंगे। आज जो मैं रेमेडी शेयर करने वाली वो है हमारे हेयर केयर के ऊपर। हम अपने बालों को जो है कैसे हम अपने वाइट हेयर्स को जो है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लैक हेयर में, और हम कुछ ही मिनटों में जो है अपने बालों को जो है अच्छा कलर दे सकते हैं बिना डाई के। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ और इसमें बताऊंगी आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो ज़्यादातर आप लोगों के किचन में ही अवेलेबल होगा। आपके घर पे हो सकता है आप लोग जो है ये यूज़ करते होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब का बटन जो है आप लोगों को पता है ये बिल्कुल फ्री है, नीचे रेड कलर का आप इसे प्रेस कर दीजिए। जब भी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप इसे वॉच कर सके। और हाँ, ये भी बताना चाहूंगी, काफी लोगों ने मुझे बहुत से ऐसे कमेंट पूछे कि मैम कत्था क्या होता है, जिसे मैं बताना चाहूंगी उसे कैची बोलते हैं। वो पान के जैसे, पान जिसे पान वाले होते हैं उनके पास मिल जाता है पंसारी, नहीं तो आपको पता है जो जड़ी बूटियां जिन जो रखते हैं या जो जो खादी का सामान ऐसा रखते हैं उनके पास आपको डेफिनेटली उसके पास मिल जाएगा। आप जो एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो हो सकता है कुछ कुछ एक आध दुकान जो है खुली होगी, शायद उनके पास मिल जाएगा। वैसे तो जैसे ग्रोसरी की जो सामान है उनके पास भी मिल जाता है ये, तो आप जरा से एक बार सर्च करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। और रेड कत्था अगर आप लोगों के पास है तो रेड कत्था, अगर ब्लैक नहीं मिल रहा आपको तो रेड कत्था को आपको क्या करना है, हल्का सा जो है आयरन की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में हल्का सा उसको भून लेना है पीस के, और पीसने के बाद आप जो भी चीज लगा रहे हो आप उसमें ऐड कर दीजिए, और उसको जो है 10 से 15 मिनट बाद आप लगाइए, एकदम इंस्टेंट मत लगाइए, क्योंकि कोई भी चीज को लगाने का असर जो है थोड़ा सा लेट मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है मैंने आप लोगों के जो कमेंट जो बताया था उसके जो मैंने आंसर दे दिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले मेहंदी को हल्के से भून लेना है लोहे की कढ़ाई में। मैंने लिया आंवला शिका का रीठा जो है साबुत मैंने लिया है, इसको मैं पानी में अच्छे से बॉयल करूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, और इसका कलर जो है रेड से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ के साथ मैं इसमें जो है कत्थे को भी ऐड कर दूंगी, ये कलर काफी अच्छा देगा। यहाँ पर जो है मैंने आंवला शिका का रीठा और कत्था को तो मैंने पानी में बॉईल कर दिया था, उसका कलर जो है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुका है, क्योंकि वैसे इसका कलर रेड होता है अगर, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो कत्था डाला है उसका कलर कितना ज्यादा वो हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। और मैंने इसको जो है आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने दिया जब ये ठंडा हो गया, और यहाँ पर मैंने मेहंदी को मैंने भून लिया है। अब हमें जो है इसके पानी को हमें डालना है, अगर आप लोगों को साबुत रीठा आंवला शिका का रीठा मिलता है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो है आंवला शिका का रीठा के पाउडर को भून के आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें इसका जो है वाटर को ऐड करना होगा, हल्का हल्का हमें इसको जो है अच्छे से मिक्स करना होगा, ये देखिए, और यही कलर जो है बहुत ही अच्छा देगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है अपने आप ही धीरे धीरे ये ब्लैक होने लग गया है, और इसको जो है हमें फिर से इसको जो है आधे घंटे के लिए हमने फिर से इसको रेस्ट देना होगा, उसके बाद हमें इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी और अपना कलर देने लग जाएगी, और साथ के साथ इसमें जो लोहे की कढ़ाई हमने दी उसका भी कलर थोड़ा सा इसमें जो है इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए, ये आपके सामने सामने ही लाइव में आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये ब्लैक होने लग गया है, और आप देखेंगे कि इसका जो कलर है कत्था का कलर, आंवला शिका का रीठा का कलर सारा सेम इसके अंदर आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको अपना जो है नजदीक से मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखिए। आम तौर पे जो होता है कि हमेशा जो होती है मेहंदी ग्रीन होती है, और उसके अंदर हम जो कुछ भी ऐड करते हैं तो वो थोड़ी सी देर के लिए ग्रीन होता है। यहाँ पर जो मैंने अभी सिर्फ इसको ऐसे ही लगाया, और आप ये सोचिए कि आधे घंटे के बाद इसका कलर और ज्यादा कितना ब्लैक हो जाएगा। आपको कोई डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल तरीके से आपके बाल जो है बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आंवला शिका का रीठा जो इसमें जो ऐड किया गया है उससे जो है आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे, बहुत ही ज्यादा आपके बाल जो है बहुत जो डैंडर जिनमें ड्राइनेस है वो सारी खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। इसको आप 1 से 2 बार लगाएंगे तो आपके बाल यकीनन सफेद से काले होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखा आपने, इस जो रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो इसको घंटों तक आपको इसको ऐसे लगा के रखना है, कुछ नहीं। आप हो सके कोई भी आप जो रेमेडी यूज करते आप 1 घंटा ये 40 मिनट के लिए आप इसको लगा के रख लीजिए, जितना असर उसने देना है। ऐसा नहीं, कई लोग जो मेहंदी लगाते 4-4, 5-5 घंटे की बहुत अच्छा कलर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर कलर देना होगा तो वो 1 घंटा या 40 मिनट में जो है वो अच्छा सा कलर दे देगा, उसके बाद जो है आप वॉश कर सकते हैं, और काफी लोगों को जो मेहंदी के बाद जो ऑयल आप लगा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, जिसने जो कलर देना वो दे देता है। आप इसको जो नॉर्मल जो है वाटर से वॉश कर सकते हैं, अपने जो शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं, और उसके बाद जरूर आप अपने बालों पर सीरम जरूर लगाइए, क्योंकि सीरम जो होता है हमारे बालों को और अच्छा जो है निखार देता है, शाइनिंग देता है। उसकी रेमेडी भी मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करने वाली हूँ कि घर पर हम सीरम को कैसे बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। ऐसी होम रेमेडी में और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। बाय बाय।